Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. यूपी के बागपत जिले में तैनात उत्तर प्रदेश पुलिस के सब इंस्पेक्टर इंतिशार अली को बिना अनुमति के दाढ़ी रखने पर निलंबित कर दिया गया है। उन्हें पुलिस लाइन भेज दिया गया है। अली को दाढ़ी हटाने के लिए 3 बार चेतावनी दी गई थी और दाढ़ी बढ़ाने को लेकर अनुमति लेने के लिए कहा गया था। हालांकि पुलिसकर्मी ने अनुमति नहीं ली और दाढ़ी बढ़ाना जारी रखा। यह मामला बागपत जिले के रमाला थाने का है, जहाँ थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर इंतिशार अली को SP बागपत ने विभाग की अनुमति के बगैर दाढ़ी रखने पर निलंबित कर दिया है। इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि 3 बार हिदायत देने के बाद भी वे दाढ़ी नहीं कटवा रहे थे। इस बारे में बागपत SP अभिषेक सिंह ने बताया कि इंतिशार अली विभाग की अनुमति के बिना दाढ़ी रख रहे थे। कई बार उन्हें दाढ़ी कटवाने को हिदायत भी दी गई थी, जिसके बावजूद भी सब इंस्पेक्टर उनके निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई। SP अभिषेक सिंह ने कहा कि पुलिस मैनुअल के मुताबिक सिर्फ सिखों को दाढ़ी रखने की अनुमति है, जबकि अन्य सभी पुलिसकर्मियों को अपने चेहरे पर क्लीन शेव रखने होते हैं। SP ने कहा, यदि कोई पुलिसकर्मी दाढ़ी रखना चाहता है तो उसे उसकी अनुमति लेनी होगी। इंतिशार अली से बार बार अनुमति लेने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया और बिना अनुमति के दाढ़ी रख ली। बता दें कि सब इंस्पेक्टर अली पुलिस बल में सब इंस्पेक्टर के रूप में शामिल हुए थे और पिछले 3 सालों से बागपत में तैनात थे। अली ने इस मुद्दे पर कहा कि उन्होंने दाढ़ी रखने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। यह घटना पर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.